बीजेपी के जेर इख्तदार रियासतों में हो रही मॉब लिंचिंग, ईसाइयों, मुसलमानों, दलितों पर किए जा रहे मजहबी तशद्दुद के खिलाफ कल गुलबर्गा में जॉइंट एक्शन कमेटी दलित नौसेना कर्नाटक और जनता परिवार ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से तिम्मापुरी सर्कल से मिनी विधान सौधा तक एहतजाजी रैली निकाली गई। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए समाजी जहतकार सिराज शाबदी, रियासती सदर जनता परिवार ऑर्गेनाइजेशन ने इलेक्शन में सियासी अपीलें करने वाले उलमा की मॉब लिंचिंग पर खामोशी इख्तियार करने पर सख्त बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि आने वाले दिनों में सियासी उलमा के खिलाफ भी एहतजाज दर्ज किया जाएगा। प्रोटेस्ट हम लोग आज कॉल आउट करें, ये कोलैबोरेशन जॉइंट एक्शन कमेटी दलित सेना और जनता परिवार ऑर्गेनाइजेशन से, जनता परिवार माइनॉरिटी विंग जिसके प्रेसिडेंट है अजहर मुबारक, ये विंग की तरफ से हम लोग ये प्रोटेस्ट कॉल आउट करे। सो है अभी भी इलेक्शन आता, जब भी इलेक्शन आता वो वक्त पे मुसलमानों के रहनुमा बनकर जो सियासी उलमा इकराम जो निकलते हैं हर गली में हर जगह निकलते हैं, स्टेज पे आते हैं, मीटिंग करते हैं कि आप फलाना ये पार्टी को जिताना, फलाना इसको वोट कराना, फलाना ये बंदा सही नहीं है, इसको नहीं इसको करना बोल के। रिसेंटली आपने पूरा हिंदुस्तान, पूरा दुनिया, पूरी दुनिया देखी किस तरीके से कोल्हापुर की मस्जिद के ऊपर अटैक किया। बात का डर है कि आने वाले वक्त में तमाम हिंदुस्तान के मुसलमान मिलकर ये सियासी उलमा इकराम के खिलाफ प्रोटेस्ट पहले दाखिल करेंगे। प्रोटेस्ट हम लोग आज कॉल आउट करें, ये कोलैबोरेशन जॉइंट एक्शन कमेटी दलित सेना और जनता परिवार ऑर्गेनाइजेशन से, जनता परिवार माइनॉरिटी विंग जिसके प्रेसिडेंट है अजहर मुबारक, ये विंग की तरफ से हम लोग ये प्रोटेस्ट कॉल आउट करे। सो है अभी भी इलेक्शन आता, जब भी इलेक्शन आता वो वक्त पे मुसलमानों के रहनुमा बनकर जो सियासी उलमा इकराम जो निकलते हैं हर गली में हर जगह निकलते हैं, स्टेज पे आते हैं, मीटिंग करते हैं कि आप फलाना ये पार्टी को जिताना, फलाना इसको वोट कराना, फलाना ये बंदा सही नहीं है, इसको नहीं इसको करना बोल के। तेरह दलित का मर्डर होता है हर हफ्ते की बात कर रहा हूँ मैं, एक हफ्ते में 13 दलित का खून होता है यहाँ पर, हमारे इंडिया में 6 दलितों के घरों को जलाया जाता है एक हफ्ते के अंदर, हर हफ्ता कम से कम 21 औरतों का दलित के 21 औरतों का रेप किया जाता है। रिसेंटली आपने पूरा हिंदुस्तान, पूरा दुनिया, पूरी दुनिया देखी किस तरीके से कोल्हापुर की मस्जिद के ऊपर अटैक किया। बात का डर है कि आने वाले वक्त में तमाम हिंदुस्तान के मुसलमान मिलकर ये सियासी उलमा इकराम के खिलाफ प्रोटेस्ट पहले दाखिल करेंगे। हिंदुत्व ऑर्गेनाइजेशन को वो लॉ एंड ऑर्डर मतलब उनको ताकत देना चाह रहा तो पूरे पुलिस डिपार्टमेंट को रिजाइन करो इंडिया से, ये हिंदुत्व ऑर्गेनाइजेशन को हमारे सामने ठहरो। अलम के वाक़े हम पूरे गुलबर्ग को मालूम करो, हिंदुस्तान देखा अलम की दरगाह का वाक़ा, सिर्फ वहाँ पे लाठी चार्ज एक होने के बाद, लाठी चार्ज पत्र मारने के बाद 150 लोगों को अरेस्ट किया, 150 लोगों को जिसमें औरतें भी हैं। अगर आप लोगों को भारत में रहना है तो जय संविधान कहना। मैं सिराज शाबदी, जनता परिवार ऑर्गेनाइजेशन।